खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है। यूनिवर्सिटी में दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए। युवकों ने लोहे की रोड से हमला किया है। हमले में एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। युवक को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। मामला दर्ज करके पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारपीट का मामला सामने आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये मामला है, मारपीट हुई है। दो छात्र गुट जो हैं वो आपस में भिड़ गए। युवक ने लोहे की रॉड से हमला किया, और हमले में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। तो वही अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, किस तरह से बेरहमी से मारपीट जो है दो गुटों में हुई है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है, युवक बुरी तरह से घायल है, पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है घायल हालत में देखते हुए युवक को। तो यूनिवर्सिटी के दो छात्र बताए जा रहे हैं, जिनके गुटों में लड़ाई हो गई और बेरहमी से एक दूसरे के साथ मारपीट इन छात्रों के ग्रुप ने की है। लोहे की रॉड से भी हमला जो है वो किया गया है, जिसमें एक युवक गंभीर घायल हुआ है, उसको रोहतक रेफर कराया गया इलाज के लिए। तो पुलिस भी अब इस मामले की जांच कर रही है। महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अक्षय, पूरा मामला क्या है, इस मारपीट के पीछे की वजह क्या? बिल्कुल सिस्टर, पूरा मामला हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। और अगर मारपीट के पीछे की वजह की बात की जाए तो आपसी रंजिश है वो इसकी वजह जो बताई गई है। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो स्पंदन नाम का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था, उसी उपलक्ष में कार्यक्रम किया जा रहा था। तो जो मेन जो पंडाल था उसी के बाहर ये दो छात्र गुट उनके अंदर झगड़ा होता है। और आरोप ये है कि दूसरा जो छात्र गुट है वो अपनी गाड़ियों के अंदर था, बाइकों के ऊपर कुछ लोग आते हैं और जो दूसरे गुट के लोग हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, जिनमें तीन से चार लोगों के साथ मारपीट की जाती है। और इस हादसे के अंदर जो एक छात्र है उसको ज्यादा चोटें लगी, उसके बाद 112 पर कॉल की गई तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। और पुलिस पहुंचने के बाद जो युवक है उसको लेकर जो यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है वहां पर लेकर जाती है, उसके बाद नागरिक अस्पताल पहुंचाया जाता है। और नागरिक अस्पताल में भी उसको ज्यादा चोट होने की वजह से पीजीआई रोहतक को रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो शिकायत है वो पुलिस को दे दी गई है और पुलिस के द्वारा इस मामले के अंदर जो धारा 306, 323, 149, 148 बी के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच के अंदर जो जुटी हुई है। जी ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है मामले की और एक्शन यहां पर पुलिस की तरफ से भी लिया गया है।